अब नव युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाए, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। इक्कीसवीं सदी को नारी सदी कहा गया है और इस सदी का भविष्य उज्जवल होने की बात कही गई है, पर यह तभी संभव है जब समाज का एक महत्वपूर्ण अंग नारी शक्ति भी जागृत हो जाए। प्राचीन काल में नारी जागृत थी और तब इसकी पूजा होती थी और तब यह देश उन्नति के उच्च शिखर पर आरूढ़ था। कैसे वह अपने खोए हुए गौरव को फिर से प्राप्त कर सकती है, प्रस्तुत है यह उद्बोधन अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख आदरणीय शैल दीदी एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के श्रीमुख से। नहीं स्वयं को अबला समझो, यह भ्रम है, नादानी है। नारी जीवन प्रभु की रचना यह लासानी है। नारी जीवन प्रभु की रचना यह लासानी है। प्रत्यक्ष भवानी है, प्रत्यक्ष भवानी है, प्रत्यक्ष भवानी है, प्रत्यक्ष भवानी है। नहीं स्वयं को अबला समझो, यह भ्रम है, नादानी है। नारी जीवन प्रभु की रचना यह लासानी है। नारी जीवन प्रभु की रचना यह लासानी है। प्रत्यक्ष भवानी है, प्रत्यक्ष भवानी है, प्रत्यक्ष भवानी है, प्रत्यक्ष भवानी है। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की
सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान मेरी प्यारी प्यारी छोटी और बड़ी बहनों, मध्य प्रदेश में एक परंपरा है, एक प्रचलन है। क्या प्रचलन है? राखी पर बहनें मायके आती हैं और हड़ताल का तीज के बाद फिर मायके से जाती हैं। आपका मायके में आना, आप सबका स्वागत। हमारी बहनें सावन के महीने का इंतजार करके भादो के महीने में हड़ताल का भी आई, बहुत अच्छा लगा। ये बताओ, ठहरने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सब खुश है? नारी जागरण का इतना बड़ा ब्लड वृक्ष जो आज देखते हैं युग निर्माण योजना के आंगन में, जिसके अंदर सभी बहनें व महिला मंडल राहत पाते हैं और मन की शांति पाते हैं, इसका शुभारंभ बड़ा मार्मिक हुआ। आज आप लोगों को बता देने का मन है, आप में से पता नहीं कितनी बहनों को इस कमरे में बैठकर बंदी माता जी के दिशा निर्देश प्रवचन सुनने का अवसर मिला होगा, कह नहीं सकती। पर जिनकी को भी मिला होगा, वह आज भी प्यार भरे सागर की हिलोरें अनुभव करती होंगी। माता जी को आंवलखेड़ा से आए हुए मथुरा थोड़ा ही समय हुआ था, ज़्यादा समय हुआ भी नहीं था उनको, 2-4 साल ही हुए होंगे। एक बहन उनके पास आई, उम्र कोई रही होगी 25-30 साल की, रोती हुई आई और माता जी से लिपट के कहने लगी, माता जी आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। उसकी आंख से आंसू रुकते नहीं थे। माता जी बोली, बेटा क्या बात है, तू बता तो सही, अपने जी की कह तो सही, तेरा दुख दर्द मेरा दुख दर्द है, बता तो सही। प्यार के दो शब्द सुन के वो उस बहन की आंखों से धारा और भी बह निकली। थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ी सहयत हुई तो कहने लगी, माता जी मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। बोले क्यों? बोले ससुराल वालों ने मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया और मायके वालों ने ये समझा कि लड़की पराए घर का कूड़ा है, शादी कर दी तो उस कूड़े को कैसे वापस घर में लाएं, उन्होंने भी छोड़ दिया। अब बताओ माता जी मैं कहाँ जाऊँ? माती बोली, बेटा आज बैठ, तू अपने दुख दर्द की सारी बात कह। पूछने में मालूम पड़ा, वो कहने लगी, माता जी मेरे मायके वालों में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो दहेज की मांग पूरी कर सकते, हम 4-5 बहनें हैं, उन्होंने शादी कर दी इतना ही बहुत है, पर रोज़ रोज़ ये तंग करना कि तू दहेज के पैसे ले गया, मैं कहाँ से ले के आऊँ, जब मैंने ना कर दिया तो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, और मायके वाले यूँ रखने को तैयार नहीं हैं कि एक बार शादी कर दी अब तेरा जीना मरना सब उसी घर में, हमारा तो उससे कोई रिश्ता है कोई रिश्ता नहीं। अब बताओ माता जी मैं कहाँ जाऊँ, न मेरा मायका है न मेरा ससुराल है। माती बोली, बेटा तेरा मायका तेरा घर आज से यही है। उनका नाम था फूलवती, माता जी ने फूलवती को अपने पास रख दिया। ऐसी एक और बहन थी, वो उनकी उम्र भी कोई 25-30 साल की रही होगी, वो विधवा थी, उनका नाम था प्रेमवती। प्रेमवती को भी जैसे ही वो विधवा हुई, उन्हें कोई बच्चे बच्चे नहीं थे, उनके घर वालों ने उनके हिस्से की जमीन जायदाद, वो अच्छे घर की थी, सारे अपने नाम करा के सब पैसा जेवर रखवा कर उनको घर के बाहर निकाल दिया। मायके में छोटे छोटे भाई बहन थे, अब वो सोचने लगी माँ बाप है नहीं मैं कहाँ जाऊँ। वो भी माता जी के पास में आई, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, माता जी ने उनको पास रखा और अपने साथ पत्राचार में उनको सिखाने लगी। ऐसी ही एक बहन और थी, वो शायद इधर पंजाब की कहीं जालंधर साइड की थी, उनका नाम था कौशल्या, उनकी उम्र रही होगी कोई 50 साल की। पति का देहांत हो गया था, बच्चे का ब्याह शादी हो गई,
कहते हैं एक माँ बाप अपने चार बच्चों को, छह बच्चों को, जितने भी होते हैं, अपना पेट काट के रात और दिन जग के उनका पालन पोषण कर लेते हैं, पैरों पे खड़ा कर देते हैं, सारी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। लेकिन बच्चे माँ बाप की जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनका एक ही लड़का था, उनने माँ को घर से बाहर निकाल दिया। वो माँ माताजी के पास पहुँची। माताजी मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं है। माताजी ने उनको भी पास रख लिया। वो माताजी के साथ भोजन व्यवस्था में मदद किया करती थी। ऐसी एक बहन और थी, वो भी लगभग इसी उम्र की थी, वो नेपाल की थी, उनका नाम था रतन देवी नाम था उनका, वो भी माता के पास थी। एक और परिवार था जिसमें केवल दो ही भाई बहन थे, माँ बाप थे नहीं, दोनों ने शादी नहीं की थी। बहन बढ़ती आती थी, भाई ब्रह्मचारी थे, संन्यास ले लिया था, फिर भी उनको चिंता थी बहन का क्या होगा। माताजी के पास आए, माताजी माता पिता है नहीं, मैंने संन्यास ले लिया है, मेरी बहन है, कैसे करूं समझ में नहीं आता। माती बोली बेटा तूने संन्यास ले लिया है तो क्या है, मैं तो तेरी माँ हूँ। उस बहन ने भी शादी नहीं की थी, उनकी भी उम्र कोई 31 साल की थी, उनका नाम था नारायणी। उनको ही माता ही ने अपने पास रखा। ये पांचों बहनों से मिलकर पहला महिला मंडल शुरू हुआ। जब ये सब इकट्ठी हुई, माता जी ने अपने पास रखा तो सही, लेकिन उनके मन में एक द्वंद्व बराबर चला, क्या समाज की यह स्थिति, बहनें इतनी पराधीन कि कूड़ा समझ ली जाएं, क्या पति न हो तो सारी संपत्ति लेके उसको घर के बाहर फेंक दिया जाए, वो अपने पैरों पर खड़ी ना हो सके, दुखियारी को भी धक्के मार के निकाल दिया जाए, कैसे इनके जीवन का सुधार हो। माताजी ने यहाँ से नारी जागरण की कमान संभाली, वहाँ से आपका पहला महिला मंडल शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते आज किस रूप में हजारों की संख्या में है ये आप सब जानते हैं। फ्रांस अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, चारों तरफ से फ्रांस को घेर रखा था, वो अपनी स्वाधीनता के लिए नए नए प्रयास कर रहा था, साधन कम थे लेकिन फिर भी लड़ने की सामर्थ्य थी। देश के सारे नौजवान लड़ाई के लिए जा चुके थे, गांव के गांव उजाड़े जा रहे थे। बहनों ने कहीं जंगलों में जाके, कहीं गुफाओं में जाकर अपनी जान बचानी चाहिए। ऐसे में ही एक बहन गर्भवती थी जो ज़्यादा दूर चल नहीं पाई, पास की ही पहाड़ी के पास छुप के उसने अपनी जान बचाई। वो रोज़ रोज़ तोपों की गड़गड़ाहट, बंदूकों की आवाज़, सैनिकों के चलते कदमों की आहट सुनती, उसके मन में एक ही बात आती, काश अगर मेरी शारीरिक स्थिति ऐसी न रही होती तो, मेरे हाथ में भी बंदूक रही होती तो मैं भी दुश्मनों का मुकाबला कर सकी होती। रात और दिन एक ही चिंतन, एक ही चिंतन, भगवान करे मैं भी देश के काम आऊँ। ये चिंतन उससे बच्चे के मन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसका जन्म लेने वाला बालक, ये कहा जाता रहा कि हर समय घोड़े की पीठ पर बैठा और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते लड़ते आगे बढ़ना उसकी दिनचर्या बन गई। जानते हो बालक कौन था? वो बालक नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से मशहूर हुआ। माँ जो चाहती है वो अपने बच्चों को बना कर रख देती है। राम चाहे अपनी सीता का परित्याग कर दें, लेकिन सीता के अंदर वो सामर्थ्य थी कि उसने पिता के जैसे तेजस्वी वो बालक खड़ा कर दिए कि राम के अश्वमेध का घोड़ा रोकने की सामर्थ्य सीता के बच्चों में थी। दुष्यंत अपनी शकुंतला को भूल भी जाए तो क्या हुआ, लेकिन शकुंतला अपने बच्चे के अंदर वो स्वाभिमान, वो साहस जंगल में पैदा कर सकती है कि वो शेर के दांत गिरने वाला बालक भरत चक्रवर्ती सम्राट बन के खड़ा हो सकता है, जिसके नाम पे आज देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। बहनों ने जब चाहा है नई किस्मतें लिख दी हैं, देश को नई चीज़ें देना शुरू की है उसने जब चाहा, तो इस समाज को न रत्नों की खान दी है माँ के रूप में और पत्नी के रूप में कर्तव्य प्रधानता की वो मिसालें पैदा कर दी हैं जो देखने सुनने में आती हैं तब मन श्रद्धा से भर जाता है। नवविवाहिता पत्नी के मोह में पति इतना मोहग्रस्त हो गया कि
कि देश में लड़ाई छिड़ने लगी। राजा ने बार बार कहलवाया कि लड़ाई सामने है, तुम्हें लड़ाई पे जाना है, लेकिन वो अपनी पत्नी को छोड़ नहीं पा रहा था। पत्नी सोचने लगी, अगर मेरे रूप सौंदर्य में इसी तरह फंसा रहा तो अपने कर्तव्य का पालन कैसे कर पाएगा। अपना शीश काट कर रख देने वाली रानी हाला रानी का इतिहास कोई भूल सकता है क्या? कोई भूल नहीं सकता। यमराज से सीधी टक्कर लेने वाली सावित्री का उदाहरण कोई भूल सकता है? कोई भूल नहीं सकता। भारत की नारियों का इतिहास इतना विलक्षण रहा है कि जब भी इसे याद करते हैं मन श्रद्धा से भर जाता है। इनके अलावा एक उदाहरण बड़ा ही विचित्र है, वह है देवी भारती का। देवी भारती वो थी मंडन मिश्र की पत्नी। एक बार जगतगुरु शंकराचार्य और मंडन मिश्र में शास्त्रार्थ हुआ, उस समय निर्णायक की भूमिका देवी भारती को दी गई। किसी को उनके निर्णय में कोई शक था कि नारी हो के निर्णय गलत करेगी? ऐसा नहीं था, नारी के निर्णय पर सबको प्रसन्नता थी। और उससे विचित्र बात यह थी कि एक तरफ स्वयं का पति और दूसरी तरफ नितांत अपरिचित व्यक्ति, ऐसे में निर्णय कर पाना बड़ा कठिन था। और एक क्षण ऐसा आया जिस समय मंडन मिश्र लगा कि शायद कहीं पीछे तो नहीं हट रहे, ऐसे में कमान देवी भारती ने संभाली थी और जगत गुरु शंकराचार्य को सोचने के लिए विवश कर दिया था। और उन्होंने भी 6 महीने का समय देवी भारती से मांगा था कि आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे 6 महीने का समय चाहिए। देवियों का, पौराणिकों का याद करें तो लक्ष्मी की तुलना में धनपति कुबेर बहुत छोटे लगते हैं। विद्या की देवी सरस्वती की तुलना में और कोई देवता नज़र आते हैं? और कोई देवता नज़र नहीं आते। और देवी दुर्गा तो अकेली ही सबके बराबर हैं, उनका मुकाबला करने वाला कोई है? उनका मुकाबला कोई करने वाला नहीं। कहाँ इतना शानदार अतीत, लेकिन आज लगता है शायद या तो किसी की नज़र लग गई या किसी का शाप लग गया। आज विज्ञापन के इस दौर में नारी भी एक विज्ञापन की वस्तु बन गई। जगह जगह सार्वजनिक चौराहों पर लगे हुए पोस्टर और सार्वजनिक किताबों में छपी हुई बहनों की तस्वीरें देखकर ये लगता है कि इतना अपमानित नारी को और न किया जाए। अगर इस अपमान का बदला नारी उद्दंड पीढ़ियाँ देकर न ले तो क्या करें? अफसोस तो ये होता है कि हमारी बहनें भी इस मामले में कोई कदम नहीं उठाती। समझ में ये नहीं आता कि चित्र में छपी हुई नारी किसकी बहन है, किसकी माँ है, किसकी पत्नी है। अस्मिता तो केवल एक ही है कि नारी माँ भी है, बहन भी है, पत्नी भी है, और वो सम्माननीय वस्तु है और सम्माननीय चीज़ का सम्मान किया ही जाना चाहिए। आज शिक्षा के दौर में कितना ही शिक्षा का प्रचलन हो गया, लेकिन नारी का एक दुर्भाग्य, पढ़ी लिखी शिक्षिता होने के बाद भी वो आज केवल रंगी पुती एक बुढ़िया बन रह गई। लोगों ने रमणी कामना और भोग्या ही समझा और नारी भी कब उसे रीझने जाने के मामले में समझती रही। आज जो सौंदर्य प्रसाधन मिलते हैं उनके ऊपर अरबों खरबों डॉलर का खर्चा आता है। अगर नारी थोड़ा सा विवेक से काम ले कि अगर इन सौंदर्य प्रसाधनों पर होने वाला खर्चा जो उसकी चमड़ी को नुकसान भी देता है अगर इसे रोक दिया जाए तो भारत में जितने बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं शायद इन सब के लिए नई उद्योग कायम किए जा सकते हैं। आज दहेज की बलवेदी पर चढ़ने वाली हमारी बेटियां, उनकी चीखें, उनकी पुकार पुरुष सुन पाते हैं कि नहीं सुन पाते, वो क्षम किए जा सकते हैं, लेकिन दर्द तो जब होता है जब बहन ही बहनी का दर्द नहीं समझ पाती। दहेज की चिताओं पर जलती हुई बेटियां, उनको ये समझ में नहीं आती कि ये पराए घर की बेटी है, कल को अपनी बेटी इस चिता पर चढ़ सकती है। उस बेटी की चीख सुन पाई, उस बेटी की चीख सुन नहीं पाती। इससे भी ज़्यादा दर्द जब होता है कि नारी ही नारी जब अपने ही हिस्से के दो टुकड़ों को, जिसका नाम एक का नाम बेटी है एक का नाम बेटा है, एक को प्राथमिकता दे देती है और दूसरे को उपेक्षित कर देती है। एक के लिए पढ़ाई के वक्त दूध दे देती है, दूसरे को पढ़ाई के वक्त काम का कोई ना कोई बहाना दे देती है।
एक माँ अपने ही हिस्से का ऐसे प्रतिकार कर ले, समझ में नहीं आता बहनों। आज भले ही पर्दा प्रथा कम हो रही है, लेकिन जानवर भी एक बाड़े में रहते हैं तो स्वतंत्र होते हैं अपने काम के लिए। लेकिन अपने घर में ही नारी की स्थिति वो है कि अपनी सास से, अपनी नंद से, अपने घर में अपने मन की बात खुल के कह सकती है, अपने मन की बात खुल के कह नहीं पाती। पारिवारिक अशांति जिस ढंग से है, आप लोग सब जानती हैं कि सास बहू की लड़ाई, ये कहते हैं कुत्ता बिल्ली का सा बैर, नारी पर यह तोहमत और दौरानी जेठानी परिवार को विघटन का एक उदाहरण देने के लिए सबसे बड़ा नमूना पेश कर दिया जाता है, ये नारी के लिए कितनी बड़ी लज्जा की बात है। ये समझ में नहीं आता ये सब नारी कैसे सहन कर पाती है। नारी 21वीं सदी, नारी जागरण का जो उद्घोष गुरुदेव ने किया, वो जिस प्रेरणा और जिस प्रकाश के आधार पर किया था, उसके पीछे अप्रत्यक्ष रूप से माताजी की शक्ति काम करती रही। गुरुदेव संकल्प लेते रहे, माताजी उन संकल्पों को लिया ही नहीं, उन्होंने जीवन में उतारा और उनको आंदोलन रूप भी दिया। आज बिना दहेज की शादियों के जितने ही परिणाम सामने हैं, वो माताजी की पहले कदम उठाने पर हुए। एक वो बच्ची जिसको माँ का प्यार नसीब न हुआ हो, वो जगत जननी बनकर सबको प्यार बांटती रही हो, वो दुनिया में कहीं देखा जा सकता है। माताजी बहुत छोटी थी, शायद 4-1 साल की रही होंगी, माँ का साया उनके सिर से उठ गया था। उन्होंने कभी माँ का प्यार पाया, कभी माँ का प्यार नहीं पाया। पिता ने ही लालन पालन किया, उन्होंने ही माँ की तरह से रखा। लेकिन ये कहते हैं जिसके पास जो चीज़ ना हो वो कैसे दे दे, जिसके पास कोई चीज़ होती है तो आदमी दे देता है, पर जिसके पास माँ का प्यार ही ना हो फिर भी जी भर इतना लुटाया कि जो मिला वो निहाल हो गया। वो यही सोचता रहा कि हमसे ज़्यादा इनका अपना और कोई हो सकता है, और कोई हो नहीं सकता। शांति कुंज में आप लोग आए, जो लोग पहले आते रहे होंगे वो लोग ये सोचते रहे होंगे कि गुरुदेव माता ही थे, हम अपने मन की बात कह लिया करते थे और वो बात हमारी पूरी हो जाया करती थी। आज हम किससे अपने मन की बात कहें। विश्वास रखना, गुरुदेव माता जी का प्यार भरा संरक्षण आज भी आप लोगों के साथ में है। जब आप लोग सोए होंगे, आपके सिर पर उनका प्यार भरा हाथ फिरता हुआ चला गया होगा और ये कहता चला गया होगा, बेटी मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरी हर दुख कष्ट अपनाई मेरी अपनी है। माँ का बच्चियों ने माँ का दर्द बहुत समझा है, लड़कों ने समझा है, लड़कों ने कम समझा है, लेकिन माँ का दर्द, माँ बाप का दर्द लड़कों की तुलना में लड़कियों ने ज़्यादा समझा है और वो उनके हर सपने को पूरा करने में लगी रही। आज इस महीने भाद्रपद पूर्णिमा भी है, माता जी को श्रद्धांजलि देने का समय भी समय है। आज इस कक्ष में बैठ कर सब मन में संकल्प लें, हे गुरुवर, हे माता जी, आपने जो सपने देखे हैं आपकी बच्चियाँ उनको पूरा करेंगी, नवयुग के निर्माण के लिए, नई पीढ़ियों के नव सृजन के लिए और भावी भारत के भविष्य के नए कर्णधारों को संस्कारवान बनाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। इससे हम कदम पीछे हटाएंगे, हम कदम पीछे हटाएंगे नहीं, मेरा विश्वास मेरी बहनों के साथ में है। ओम शांति। शक्ति साधना बिना न बनता कोई बिगड़ा काम, नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम, नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम। शक्ति साधना बिना न बनता कोई बिगड़ा काम, नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम, राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम।
तुम्हारा आया, तब देवों को भी विपदा में ध्यान तुम्हारा आया, तब दुर्गा बनकर तुमने ही जीते वे संग्राम, जीते वे संग्राम, नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम, नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम। हुआ हावी मानव को कौन सृजन से जोड़े, शक्ति न जागी तो शिव कैसे दुष्ट अशिव को तोड़े, ध्वंस हुआ हावी मानव को कौन सृजन से जोड़े, रुका हुआ हर क्षेत्र प्रगति का लंगड़ाई सी गति है, बिना तुम्हारे रुकी रुकी सी नर की सभी प्रगति है, बिना तुम्हारे रुकी रुकी सी नर की सभी प्रगति है, शक्ति न जागी अगर राष्ट्र की होगा क्या अंजाम, होगा क्या अंजाम, नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम, नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम, शक्ति साधना बिना न बनता कोई बिगड़ा काम, नारी तुम हो शक्ति राष्ट्र की, शत शत तुम्हें प्रणाम, शत शत तुम्हें प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया, श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माताजी की सूक्ष्म उपस्थिति में हमारे महिला मंडलों के इस उद्घाटन सत्र के प्रथम दिन यहाँ बैठी हुई सभी हमारी देवी स्वरूपा बहनों, हमारे विभिन्न स्थानों से पधारी हुई ऐसी प्राणवान कार्यकर्ता बहनों जो कि अपने माध्यम से बहुत बड़ा काम मिशन का कर रही हैं, हमारे शांति कुंज की महिला जागरण प्रकोष्ठ की सभी बहनें, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा, परम पूज्य गुरुदेव ने नाम दिए ना वंदनीय माता जी के लिए सजल श्रद्धा और परम पूज्य गुरुदेव ने अपने लिए प्रखर प्रज्ञा, तो ये नाम गुरुदेव ने अपने महाप्रयाण से 8-9 साल पहले अपनी छत्री का भी निर्माण कर दिया और चयन करके नाम भी लिखवा दिए। जब नाम हो गया तो उसके बाद हमने पूछा कि गुरुदेव ये नाम का आपने सजल श्रद्धा ये किस लिए रखा है, तो गुरुदेव ने कहा कि सजलता से भरी हुई श्रद्धा की प्रतीक माता जी हैं, श्रद्धा आदर्शों के प्रति समर्पण। वंदनीय माता जी ने जीवन भर आदर्शों के प्रति अपने आप को समर्पित किया और उन्हीं के प्रतीक मूर्तिमान के रूप में मैंने जीवंत प्रतिमा के रूप में ये बना दिया है। हमारे जाने के बाद तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम हमारे काम को आगे बढ़ाओ,
तुमको कोई भवन बनाने की जरूरत नहीं है, तुमको कोई मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं है, केवल प्रखर प्रज्ञा सरल श्रद्धा हमने बना दी है, बस इसमें हमारे तुम जो भी हमारे चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, उनको स्थापित कर देना और हमारी शक्ति वहाँ विद्यमान रहेगी। आज भी लाखों साधक सारे देश से, सारे विश्व से आते हैं और अपनी समस्याओं को वहाँ रखते हैं। प्रखर प्रज्ञा के रूप में परम पूज गुरुदेव और सरल श्रद्धा के रूप में परमवन्या माता जी का जो प्रतीक जीवंत बना हुआ है, वहाँ उनकी जितनी समस्या है अपने आप समाधान हो जाती है। वहाँ लिख करके भी रख दिया तो अपने आप में ही उनको ये मिल जाता है कि चलो घर पहुँचते पहुँचते निश्चित रूप से इसकी कहीं ना कहीं कमी आएगी और हमारी जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। परम पूज्य गुरुदेव ने सजलता को, श्रद्धा को, प्रखरता को और प्रज्ञा को इसको स्थापित किया। सही अर्थों में गुरुदेव बाहर से तो प्रज्ञावान थे, अंदर से श्रद्धा के प्रतीक पुंज थे। बाहर से पुरुष थे, अंदर से माँ थे। परमवन्या माता जी बाहर से माँ थी पर अंदर से पुरुष थी, उनके अंदर दृढ़ता थी, मजबूती थी। और हम लोगों ने देखा है किस तरह से उन्होंने प्रशासन को चलाया 1980 से लेके 1970 से लेके 71 से लेके 1990 और उसके बाद फिर 1994 तक परमवन्या माता जी के साथ लगभग 16 अश्वमेध यज्ञों में जाने का मौका मिला हमको, जीजी को, दोनों को। और जीजी बहुत ज़्यादा नज़दीक रही हैं वंदनीय माता जी के, मैं थोड़ा आग के नज़दीक ज़्यादा रहा हूँ, गुरुदेव के पास ज़्यादा रहा हूँ। गुरुदेव की आग को मैंने ज़्यादा अनुभव किया है, गुस्से को भी बहुत ज़्यादा अनुभव किया। जब जब परम पूज्य गुरुदेव गुस्सा होते थे और गुस्सा होने के बाद जब बहुत क्रोध में आ जाती उनकी, इस बहुत तेज़ गति से चलते थे उनके विचार, तो उनके तेज़ गति से चलने वाले विचारों के साथ जो नहीं चल पाता था उस पर नाराज़ होते थे। उसमें हम भी थे, हम भी नाराज़ होते थे, सभी पर नाराज़ होते थे। अब जवान थे हम, मुश्किल से 27-28 साल की उम्र थी, तो नहीं समझ पाते थे कई बार। गुस्सा भी हम भी, वो गुस्सा थे तो हम भी गुस्सा हो जाते थे। गुरु गुस्सा है तो शिष्य को भी गुस्सा होने का अधिकार है, तो हम कभी कभी गुस्सा होकर नीचे आ जाते थे। तो वंदनीय माता जी का प्यार पाया, वंदनीय माता जी ने जो प्यार का स्पर्श दिया उसी के माध्यम से ये संगठन में जितने भी भाई हैं, जितने भी बहनें हैं यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं, वो सारी उसी माध्यम से खड़ी हैं। वंदनीय माता जी के संरक्षण ने, वंदनीय माता जी के प्यार ने ये पूरा के पूरा संस्था को खड़ा किया। नारी जागरण मूवमेंट को हमने खड़े होते देखा है, परम वंदनीय माता जी के संरक्षण में पल रही बच्चियाँ। जीजी ने तो बहुत पुरानी बात कह दी, तपोभूमि की मथुरा की बात कह दी और आंवलखेड़ा की बात कह दी जीजी ने, पर मैं यहाँ की बात कह रहा हूँ कि यहाँ जो छोटी छोटी बच्चियाँ थीं उनको बड़े होकर के 10-12 साल की उम्र में आई थी, जब मैं 74-75 में आता था, और वही बच्चियाँ खड़ी होकर बड़ी होकर बोलने लगीं, वही बच्चियाँ हमारे यहाँ देवकन्या बन के आईं, वही बच्चियाँ बाद में ब्रह्मवादिनी बहनें बन गईं, और वही बच्चियाँ बाद में एक अच्छी माँ के रूप में अपना काम कर रही हैं और पूरे देश में जगह जगह स्थान स्थान पर फैली हुई है। माता जी का एक वाक्य मुझे याद आता है कि मैं एक शरीर से बच्चों को जन्म नहीं दे सकती थी, इसलिए मैंने कई शरीर चुने, ढेर सारे, और ढेर सारी बच्चियों को, ढेर सारे बच्चों को जन्म दिया और सब मेरे ही बच्चे हैं। कोई ये न माने कि मेरे बच्चे नहीं, जन्म भले किसी और ने दिया हो पर वो हैं मेरे बच्चे, एक स्नेह की साकार प्रतिमा वंदनीय माता जी। उन्होंने जो नारी जागरण का जो तुमुलनाद किया, शंखनाद किया, और उसी के माध्यम से इतना बड़ा तंत्र खड़ा हुआ कि आज हमारा मिशन एक ऐसी स्थापना के रूप में खड़ा है जहाँ ओपनली खुलेआम इस संघर्ष को, इस मुद्दे को खड़ा कर रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने माध्यम से इस सारे समाज में जो परिवर्तन की जो वेला है इसमें जो तेज़ी से संस्कृति का पराभव हो रहा है, जैसा कि अभी जीजी ने कहा कि चाहे जो चौराहों पे देख लीजिए और चाहे टेलीविज़न में देख लीजिए, चाहे न्यूज़पेपर में देख लीजिए, रोज़ के पेपर भी खोलते नहीं बनते, कई बार पेपर खोलने पे दिखाई पड़ता है कि वहाँ भी नारी की नंगी एक तस्वीर मौजूद है, और उसको खोल के देखने का मतलब ये है कि आपके मन में किसी न किसी तरह से अश्लीलता का बीज पैदा हो। ये सारा का सारा षड्यंत्र पूरा जो चल रहा है, सारा पूरे वैश्वीकरण का जो बाज़ार देश में आया और वैश्वीकरण के बाजार के साथ नेटवर्क का तंत्र आया, पेपर जो आए, इन सब के लोगों ने जो जिस तरह से भारत को एक प्रकार से फैशन का बाज़ार बना दिया, नारी को एक प्रकार से फैशन परस्ती की पूर्ति के लिए साधन बना दिया, विलासिता की पूर्ति का साधन बना दिया, इसी के कारण हमारे मूवमेंट में बहुत ज़्यादा चोट पहुँची। हमारा जो जागरण था, नारी जागरण अभियान था, ये कोई एक कहने भर की बात नहीं थी कि नारी शक्ति जागेगी, जागेगी भी जागेगी। आंदोलन एक नारा नहीं है, आंदोलन प्रवाह होता है, आंदोलन तूफान होता है, चक्रवात होता है। आंदोलन को ऐसा सामान्य नहीं मानना चाहिए कि नारा है, नहीं, नारा तो उसका प्रतीक के रूप में लगाया जाता है,
पर जब आंदोलन में शक्ति चक्रवात की अवतारी चेतना की जुड़ जाती है, भगवान को क्या जरूरत थी कहने की संभवामी युगे युगे विनाशाय च दुष्कृताम। अरे वो तो एक इशारा करें तो सारे दुष्ट मर जाएं। भगवान में इतनी शक्ति है कि एक इशारे से सारे दुष्ट एक तरफ मर जाएं और सारे सज्जन एक तरफ खड़े हो जाएं। पर भगवान को आना पड़ता है, भगवान को नमूना पेश करना पड़ता है, भगवान को एक अपना नमूना पेश करके लोक शिक्षण के लिए जीना पड़ता है। लोक शिक्षण के लिए जी करके भगवान अपने साथ ढेर सारे लोगों को तैयार करने आते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी भी इसी तरह से आए थे और उन्होंने भी नमूना पेश किया। कैसा नमूना होना चाहिए? जैसा हमने पेश किया। गुरुदेव माता जी कहते हैं जैसा हमने पेश किया, जिस तरह से हम लोग रहे ऐसे तुम लोग भी रहो और तुम लोग भी अपने जीवन में इसी तरह का एक आदर्श प्रस्तुत करो। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी ने कहा कि ये जो युग परिवर्तन हो रहा है, इस युग परिवर्तन की आंधी में, महावतार महापरिवर्तन की आंधी में सबसे बड़ा परिवर्तन जो होने जा रहा है 21वीं सदी नारी सदी होने जा रही है। अभी पिछले दिनों में अब्दुल कलाम साहब जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका एक वाक्य पढ़ रहा था कि मनुष्य के अंदर की नारी सो गई है इसलिए आज वो विक्षुब्ध हो गया है। मनुष्य के अंदर की, नर के अंदर की नारी सो गई है, अगर वो अंदर की नारी को जीवंत कर ले तो तनाव मुक्त रहेगा, प्यार बांटेगा, सहकार बढ़ेगा, अहंकार घटेगा, पारस्परिक टकराव मिटेगा, विद्वेष मिटेगा और आपस में कहीं भी किसी तरह की कोई जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, राजनीति के नाम पर किसी तरह की टकराहट नहीं दिखाई पड़ेगी। ये हमारे राष्ट्रपति का कहना है। मित्रों, कहीं 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 मनुष्य का एग्रेसिव स्वरूप जो सामने आ रहा है उसी के साथ उसका शोषण वाला स्वरूप सामने आता है। पिछले 2000-3000 साल अंधकार युग के कहे जाते हैं, जहाँ जहाँ मनुष्य पुरुष गया, पुरुष ने जाकर के जहाँ जहाँ धरती को जीता वह नारियों को भी जीत के लाया। जिसने जितनी महिलाओं को पकड़ के अपने हरम में बंद कर लिया वो उतना बड़ा योद्धा कहा गया। अर्थात प्रकृति का शोषण और नारी का शोषण एक साथ मान लिया गया। प्रकृति का शोषण जिसने किया, प्रकृति के शोषण के साथ पेड़ भी उखाड़े गए। यानी धरती माता का शोषण, धरती माता पे विजय और नारी माता पे विजय, एक प्रकार से सृजन की देवी पर विजय प्राप्त करने का एक ऐसा अहंकारी उन्माद जिसके कारण सारा का सारा जो अभी भुगतना पड़ रहा है हम लोगों को, जो पिछले 2000 साल का जो अभिशाप भुगतना पड़ रहा है, जैसे जी ने कहा ना, जैसे किसी का श्राप लग गया हो, जैसे किसी का कलंक हमारे ऊपर चढ़ गया हो कि हम लोगों को ये समय देखना पड़ा। तो भाइयों, अब बहनों, अभी भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं, अभी भी नारी जागरण के क्षेत्र में इतनी ज़्यादा हमारे मार्ग में बाधाएँ हैं। नारी ही दुश्मन है नारी की, पहली, पुरुष सबसे बड़ा दुश्मन है नारी का, सबसे बड़ी जो बात है। ढेर सारी जो घटनाएँ घटती हैं नारी के साथ दुर्व्यवहार की, वो घर में घटती हैं। 80% घटनाएं, मनोवैज्ञानिकों ने कहा है 80% घटनाएं घर वालों के द्वारा घटित होती हैं। कोई मामा या कोई चाचा या कोई बाबा या कोई दादा या फिर कोई नाना या नानी, बड़ा से बड़ा बुजुर्ग, वो छेड़खानी करता है एक छोटी बच्ची के साथ। और छेड़खानी वहाँ से चालू होती है, वहाँ से मनोग्रंथि बनती है, और मनोग्रंथि बनकर वहाँ से चालू होती है, वही मनोग्रंथि आगे चल के हो सकता है कि किसी और रूप में निकले। कभी विद्रोह के रूप में निकलती है तो वो 21वीं सदी की नारी बन जाती है जो विदेश में रहती है, या कभी विद्रोह के रूप में निकलती है तो ऐसी नारी के रूप में निकलती है जो कहती है मुझे पुरुष बिल्कुल पसंद नहीं, चेहरा पसंद नहीं, पुरुषों को मैं किसी हाथ में नहीं देखना चाहती, शादी नहीं करूँगी, अविवाहित रहूँगी। कई शादियाँ मजबूरी में नहीं हो पाती बच्चियों की, बच्चियाँ शादी नहीं कर पाती, और जाति प्रथा बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है उसके लिए कि जाति की वजह से भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बंधन, हमारी उपजाति में ही करेंगे, हम जाति में नहीं करेंगे। अरे गायत्री परिवार तो इतना बड़ा है, गायत्री परिवार तो गुरुदेव माता जी के बेटे हैं, बेटियाँ हैं, इसमें तो आपस में शादी कर सकते हैं कि नहीं। अगर हम लोग इस प्रतिबंध को तोड़ें और एक प्रकार का एक खुला स्वच्छंद परिवार बनाएं और इसी में यदि विवाह का क्रम बनाने लगे जाति के बंधन से परे, तो कितना बड़ा क्रम बन जाए। गांधी जी के नाम पे आजकल एक शब्द चल पड़ा है, मालूम है ना आपको, गांधीगिरी। गांधीगिरी का मतलब क्या होता है? असहयोग। हम गांधीगिरी करेंगे। जर्मनी की सड़कों पर हमारी बहनों ने नारा लगाया और नारा लगा के निकल पड़ी 3-4 दिन पहले। 500-600 बहनें निकल पड़ी, क्यों? उनके भाइयों पर और उनके ऊपर नस्लवादी लोगों ने आक्रमण किया, और ये आक्रमण किया कि ये यहाँ रहने लायक नहीं है। अब 35,000 भारतीय जर्मनी में रहते हैं, कैसे निकल जाएं? और वहाँ की बैकबोन है आईटी वर्क के, तो उन लोगों ने क्या किया, सड़क पर निकल के आंदोलन चलाया और कुछ नारे नहीं लगाए, मुंह पे पट्टी बांध ली, हाथ में काली पट्टी बांध ली और हाथ में भारत का झंडा, एक हाथ में जर्मनी का झंडा, दोनों लेकर के वो चल पड़ी, कुछ नहीं बोली। पूरा के पूरा जो मुख्य मार्ग थे उनके चक्कर लगाती हुई वो वापस आ गई। और उस दिन शाम को जर्मनी के लोगों ने माफ़ी मांगी उन बहनों से कि सारे के सारे भारतीयों
को उससे हम माफ़ी मांगते हैं, हमारे बच्चों ने गलतियाँ की हैं और हम भारतीयों को अपना गले से लगा के रखेंगे। मित्रों, यदि आप बहनों यदि आप भी काम ये करने लगें, एक बड़ा सा बैनर बनाइए, खर्चीली शादियाँ हमें दरिद्र बेईमान बनाती हैं, इस विवाह में भी वैसा ही हो रहा है, क्या खर्चीले बेईमान और दरिद्र लोग शामिल हो रहे हैं। तो उसकी उसने जो एट होम दिया है, जो उसने जो पार्टी दी है, उस पार्टी और उसमें जो आने वाले पैसे वाले हैं उनके सामने खड़े हो जाइए आप लाइन लगा। लोग नहीं आएंगे अंदर, खाना खाने वाले नहीं आएंगे, उनका खाना सब बेकार जाएगा, फिर क्या करेंगे उस खाने को, फिर अन्य क्षेत्र में जाके हम लोग ऐसे लोगों की जिनको ज़रूरत है उनको जाके बांटेंगे। ऐसा यदि हम एक आंदोलन चालू कर दें, क्योंकि अब बहुत समय हो गया, 21वीं सदी में गुरुदेव माता जी की जन्म गुरुदेव की जन्म शताब्दी का समय आ गया, और अब ये समय ऐसा आ गया कि हमको तैयार होना पड़ेगा आंदोलन करने के लिए। तो संघर्षात्मक क्रांति सबसे पहले दहेज के खिलाफ, दूसरी क्रांति फैशन परस्ती के खिलाफ, तीसरी क्रांति अश्लीलता से भरे हुए फोटो के खिलाफ, इन सब के खिलाफ क्रांति करने के लिए होली के लिए केवल होली जो ढूंढना जरूरी नहीं है, होली कभी भी मनाई जा सकती। कैसी होली? फैशन अश्लील चित्रों की होली, हर संडे को मनाइए, उसमें क्या है, जितने हैं सब जलाइए, भाई कितनी बार चिपकाएंगे वो, आप जितनी बार लगे चिपकाएं उतनी बार जलाते जाइए, कम से कम माहौल तो बनेगा, एक वातावरण तो बने। जब हम ये कहते हैं कि भ्रूण हत्या घर खराब है, कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, तो आपके जीवन में दिखाई भी पड़ना चाहिए, आपके घर में लड़का हुआ और लड़की हुई और लड़के के बाद आप क्यों चक्कर लगाते रहे चार पांच डॉक्टर के घर में कि लड़का होना चाहिए, अगर दूसरी लड़की आ जाती तो क्या क्या दिक्कत थी, दो देवियाँ आनी चाहिए। अगर हमारे भाई लोग इन लोगों के खिलाफ नहीं बल्कि इन लोगों के सामने यदि हम एक संघर्षात्मक मोर्चा रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक माहौल बनेगा। हमको आचरण से बोलना पड़ेगा, यदि हम नहीं बोलेंगे केवल नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, अब जो कुछ भी हम कह रहे हैं उस चीज़ को कहने के साथ साथ जीना भी पड़ेगा। यदि हम जीने लगेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये सारा का सारा स्वरूप दिखाई पड़ने लगेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारे के सारे जब लोगों के सामने आने लगेंगी कि गायत्री परिवार की क्रांतिकारी महिलाएँ इतना बड़ा काम कर रही हैं और इतना बड़ा काम कर रही हैं कि उन्होंने केवल जो गर्भस्थ जो कन्याएं हैं भ्रूण में जो हैं उनकी हत्या के विरोध में आंदोलन ही चलाया, बल्कि खुद मिलकर के खुद आगे बढ़ करके इस कार्य में वो मदद कर रही हैं और जा करके सब लोगों से कह रही हैं कि नहीं, नारी एक प्रकार की शक्ति है, वो नारी का शक्ति के रूप में आना इस 21वीं सदी के लिए ज़रूरी है। आपको मालूम नहीं कितनी बहनों को बच्चियों को मार दिया गया गर्भ में, 1000 का और 750 का अनुपात हो गया है पूरे देश में, औसत अनुपात 1000 और 750 का है। इसका अर्थ ये है कि 1000 पुरुष रहेंगे 750 महिलाएं रहेंगी, 2050 में 250 लोगों की शादी नहीं होगी, शादी करना चाहेंगे तो मारे मारे इधर उधर भागे फिरेंगे और एक असंतुलन समाज में ऐसा पैदा होगा जिसमें कि अपराध पनपेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें उस संतुलन को ठीक करने के लिए नारी शक्ति आने वाले 10 साल में ज़्यादा आएंगी, शक्ति का अनुपात ज़्यादा आएगा, शक्ति को आने देना चाहिए। हमारे ही घर में हमारी माँ हमारी सास जो बच्चियाँ बैठी हैं बहनें बैठी हैं वही हमारा सबसे बड़ा विरोध करती हैं, वो कहती नहीं है एक लड़की होगी अब एक लड़का होना चाहिए, अरे अपने हाथ में है क्या, आने दो सहज रूप में, जो आती शक्ति के रूप में आती शक्ति को आने दो। नारी शक्ति आएगी तो नारी सबसे ज़्यादा नज़दीक है माँ के पिता के, माता पिता की कोई सेवा कर सकती है तो नारी शक्ति कर सकती है और कोई नहीं सेवा कर सकता। बच्चा तो आज भाग जाता है विदेश, वहाँ जाके बैठ जाता है अपनी बहू के साथ और कहता है पिताजी आपके लिए इतने पैसे भेज रहा हूँ, आप किसी ओल्ड एज होम में भर्ती हो जाना, मैं आप वहाँ आपके लिए इलाज के लिए दवा भेजता रहूँगा। एक क्रांतिकारी स्वरूप अख्तियार करना पड़ेगा नारी जागरण आंदोलन को और प्रज्ञा महिला मंडलों को। आने वाले 6 दिन 6-7 दिन जब तक आप यहाँ हैं, माँ के प्यार की बात तो आपने सुनी, तो माँ के प्यार के साथ गुरुदेव के क्रांतिकारी स्वरों को भी सुनने के प्रयास करें कि महिला जागृति अभियान पुस्तक में गुरुदेव ने कहा है यदि नारी स्वयं उठ के नहीं खड़ी हुई तो कैसे नर आगे बढ़ेगा, या कैसे नर सुधरेगा, या नर को सुधारना है या नर को ठीक रास्ते पे चलाना है, विचार क्रांति को सही दिशा देनी है तो हमें अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। अपने आप से शुरुआत करें, 5 चीज़ें हैं जिनके बारे में हमको शुरुआत करनी पड़ेगी। अपनी सुरक्षा हम स्वयं करें, सबसे पहला काम सहसे हैं चार सभी चीज़ें, अपनी सुरक्षा हम स्वयं करें, नर को सुरक्षा का अधिकार नहीं दें। नारी को अपने आप को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा, जूडो कराटे सीखना पड़ेगा, जूडो कराटे भी सीखना पड़ेगा, और अगर आसपास वालों की सुरक्षा करनी पड़ी तो उनको भी सुरक्षा करने का तंत्र बनाना पड़ेगा। तो सुरक्षा सबसे पहली चीज़ है, सुरक्षा के उपाय बताने पड़ेंगे छोटी बच्चियों को भी बड़े बच्चियों को भी, विद्यालय में पढ़ने वाली महाविद्यालय में पढ़ने वाली, सुरक्षा के स्वरूप समझाना पड़ेगा, सुरक्षा हमें कैसे जीवन में कैसी होनी चाहिए। दूसरा शिक्षा, हर नारी हर बहन हर बच्ची शिक्षित हो, यदि शिक्षित नहीं हुई तो क्या होगा कि शिक्षा का अभाव किसी भी समाज के लिए अभिशाप का कारण बनता है। आज बहुत सारी बच्चियां शिक्षा के अभाव में एक पद्दलित स्थिति में जी रही, तो शिक्षा का अवसर सबको समान रूप से मिले, जहां तक पढ़ना चाहती है वहां तक पढ़े, पर शिक्षा कैसी हो, संस्कार युक्त शिक्षा,
संस्कार युक्त शिक्षा, संस्कारों से भरी हुई शिक्षा। पहली चीज़ सुरक्षा, दूसरी चीज़ शिक्षा, तीसरी चीज़ है स्वावलंबन। हमें स्वावलंबन के आधार पर खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। स्वावलंबन के ढेरों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें कि हम अपने माध्यम से अपना खुद का तंत्र खड़ा कर सकते हैं। हमारी जो महिला मंडल की बहनें हैं, ये 10-12 बहनें ही सफिशियंट हैं अपने अपने मंडल को सक्षम बनाने के लिए। आर्थिक दृष्टि से यदि सक्षम है तो कोई भी असुरक्षा की भावना कभी नहीं आएगी। आपको अपना तंत्र खुद खड़ा करना पड़ेगा। मेहनत करिए और बहुत समय आपके पास है, 3-4 घंटे का समय ऐसा है जिसमें कि स्वावलंबन का समय निकाल सकती हैं। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो बेकार बैठी हैं, कुछ काम नहीं करती। घर के उद्योग इतने सारे होते हैं। सबसे बड़ा जो नारी के साथ पक्ष है वो है कला कौशल। तो कला कौशल का उपयोग जितना हो सकता है उसको करके स्वावलंबन के कम से कम 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बनाए हैं। आप उनको डेवलप करिए और उनके माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करिए। प्रशिक्षण प्राप्त करके उनको जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। चौथा है स्वास्थ्य। योग का जीवन में समावेश, आयुर्वेद का जीवन में समावेश, मसाला वाटिका, गमले वाटिका का समावेश। आप खुद यदि स्वयं अपने जीवन में योग को समाविष्ट नहीं करेंगे और खुद योग नहीं करेंगे तो कैसे स्वस्थ रहेंगे? स्वस्थ रहना हर व्यक्ति के जीवन, हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। क्यों? स्वास्थ्य ही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां पैदा होती हैं और नारी को स्वास्थ्य ही ऐसी दिशा में ले जाता है कि बहुत सारी परेशानियां भुगतनी पड़ती। मैं जानता हूँ, नर होने के नाते जानता हूँ कि नारी को कितना दुख कष्ट सहना पड़ता है। जब गर्भवती होती हैं तो 9 महीने के लिए नहीं बल्कि 5.5 साल के लिए, जब तक बच्ची या बच्चा इस लायक नहीं हो जाता कि खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके, तब तक उसको संभालना पड़ता है। ये सारी चीज़ें उसी को खुद करनी पड़ती हैं। घर का काम भी उसी स्थिति में खुद करेगी और पति के लिए खाना ही बनाएगी, सब कुछ करेगी। पीठ में दर्द हो रहा है, सब कुछ परेशानियां हैं, पर इसके बावजूद भी उसके अंदर भगवान ने सहन शक्ति, रेजिलियंस इतनी ज़्यादा दी है, जीवनी शक्ति इतनी दी है कि उसके माध्यम से वो अपना गुजारा कर लेती है। परंतु कुछ अतिरिक्त उपाय हो जाए तो, जैसे योगासन के प्रयोग, कुछ योग के माध्यम से अपनी सुरक्षा, कुछ जड़ी बूटियों के माध्यम से अपनी सुरक्षा, कुछ आहार में परिवर्तन के माध्यम से अपनी सुरक्षा, कुछ इस प्रकार से अपनी सुरक्षा कि ये गमलों में स्वास्थ्य, जो छोटा मोटी चीज़ें जड़ी बूटियां हैं उनके माध्यम से अपनी तबीयत को देख रेख कर लें। एलोपैथी की जरूरत ही क्या पड़े? जरूरत पड़े तो हम अपने घर में ही उपलब्ध औषधियों के माध्यम से अपना उपचार कर लें। आप करती हैं, जब घर में कुछ बीमार होता है तो काढ़ा बनाती हैं कि नहीं? किसी प्रकार की कोई चीज़ें मसाले वसाले के रूप में प्रयोग करती हैं कि नहीं? बिल्कुल। जब वो करती हैं तो फिर उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करना और अपने महिला मंडल के लोगों के ऊपर अप्लाई करना क्यों नहीं उचित समझती? अपने यहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे बताएंगे कि ये चीज़ें जरूरी है? अब भाषण देना बहुत आसान है कि देखिए नारी जागरण होना चाहिए, नारी को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो तो सबने सुन रखा है, पर ये सब चीज़ें अपने से चालू हों। चौथी चीज़ स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य में योग को जीवन का अंग बना लें। योग में प्राणायाम है, योग है, ध्यान, नियमित रूप से ध्यान का एक प्रयोग करें। ध्यान अपना जीवन का एक अनिवार्य अंग रहे और हम ध्यान में 15-10 मिनट गुरुदेव का स्मरण करके जप के साथ ध्यान का एक प्रयोग करेंगे। नियमित रूप से सूर्य का ध्यान करेंगे और सूर्य की चेतना के माध्यम से प्रयोग करेंगे कि हमारे अंदर से बाहर तक प्रकाश की किरणें जा रही हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी सिर दर्द हो आपको, कभी पीठ में दर्द हो, तो आप सूर्य के प्रकाश को यहाँ तक ला के देखना और धीरे धीरे करके अंधकार को कम करने की कोशिश करना, आपका यहाँ पर सिर दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। एक दिन में पता नहीं चलेगा, 2-3 दिन में आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े जो आधा शीशे के दर्द हैं, बड़े बड़ी तकलीफें हैं, पीठ का दर्द है, सांस की तकलीफें हैं, ये सब दूर हो सकती हैं ध्यान के माध्यम से। ध्यान में चिकित्सा की बहुत बड़ी शक्ति है। विशेष रूप से यदि गुरुदेव का ध्यान आप करते हैं तो गुरुदेव की शक्ति स्वयं आके आपको स्वस्थ बना देंगे। चौथी चीज़ स्वास्थ्य। पाँचवीं चीज़ संस्कार। संस्कार का जीवन में उपार्जन, संस्कार का आदान प्रदान। आप संस्कारों को जितना देंगी दूसरों को, बच्चे को देती हैं, अपने बच्चे को देती हैं, संस्कारों के माध्यम से सारे कार्यक्रमों का संचालन, संस्कारों के माध्यम से अपने परम पूज्य गुरुदेव के संदेशों का प्रचार प्रसार, और उसके बाद फिर अंतिम है छठा, सशक्तिकरण। नारी को सशक्त बनाना, अपने पैरों पर खड़ा करना। एक नारी को आपने खड़ा कर दिया अपने पैरों पर और एक नारी को सशक्त बना दिया, भले ही वो अविवाहित बहन हो जिसकी शादी नहीं हुई हो और वो बहुत लंबे समय से, मतलब बहुत एक ज़्यादा उम्र की हो गई हो, चाहे वो हो चाहे एक हमारी ऐसी बहन हो जो परित्यक्ता के रूप में हमारे साथ रह रही है, विधवा स्थिति में रह रही है, वो आपके साथ हो, उन सब के अंदर साहस आ जाएगा यदि आपने एक को खड़ा कर दिया। सारे जीवन में, पूरे जीवन में केवल एक बहन को खड़ा करके दिखा दो, बस
बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपने एक को खड़ा कर दिया। इतनी सारी बहनें आई, 250 बहनें, 250 बहनें यदि एक एक बहन को एक एक साल में खड़ा करके दिखा दें तो न जाने कितनी बहनों को खड़ा कर सकते। तो समर्थ, स्वावलंबी, सशक्त, संस्कारवान और ऐसा बनाना मजबूत कि हमें नारी जागरण आंदोलन को खड़ा कर देना है। नारी विधाता है, सृष्टि की संरचना नारी के माध्यम से हुई है। ब्रह्मा जी के बाद किसी एक को अधिकार है तो नारी को ही है। नारी कामधेनु है, नारी कल्पवृक्ष है, गुरुदेव कहते हैं। और इस कल्पवृक्ष को वासना की आग में जलाकर कोयला करने का काम भी मनुष्य ने किया है। अगर हम चाहें तो इसको हम ऊंचा उठा सकते हैं, हम चाहें तो इसको सृजन की देवी बना करके, और जैसे एक बीज को डाला जाता है तो हजार बीज बन जाते हैं धरती माता में। जैसे इस तरह से गुरुदेव ने जैसे समाज के खेत में बीज बोए, अगर नारी अपने क्षेत्र में बीज बोए तो इतने सारे नारियों को खड़ा कर सकती है, जागृत नारियों को, कि देखते देखते बहुत बड़ा तंत्र खड़ा हो सकता है। नारी जागरण इस समय की सबसे बड़ी मांग है। 21वीं सदी समाज की सबसे परिवर्तन की वेला है, महापरिवर्तन की वेला है। और इस महापरिवर्तन की वेला में नारी शक्ति को ही आगे आना है और सारा काम संभालना है। आपने देखा ना, अभी इस समय नारियां सारे काम को संभाले हुए हैं। एक बहुत बड़ा उद्योग का तंत्र है, मैं उसका समर्थन तो नहीं करता, नाम ले रहा हूँ केवल, बस कोका कोला नाम सुना होगा आपने। कोका कोला ग्रुप की जो मालिका है इंद्रा नुई, उसने सारे के सारे प्रतिरोधों का सामना करते हुए अपने आंदोलन, अपने समूह को, औद्योगिक समूह को सबसे ऊंचा बना दिया पैसे की दृष्टि से। उसी के खिलाफ एक महिला खड़ी हुई है, सुनीता नारायण, उसी के खिलाफ खड़ी हुई है, जो कहती है कोका कोला पेप्सी पीना खराब है। हम उसके साथ हैं, सुनीता नारायण के साथ। और सुनीता नारायण नाम की लड़की जो है वो जगह जगह से ढूंढ ढूंढ के निकालती है। तो दो बहनों के बीच में लड़ाई, एक पैसे की लड़ाई लड़ रही है, एक लड़ाई लड़ रही है स्वास्थ्य की लड़ाई, संस्कारों की लड़ाई, पर दोनों नारियां हैं। हमारे देश में नारियों ने बड़ी बड़ी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, चाहे प्रभावती हों, चाहे कस्तूरबा हों, चाहे स्वरूप रानी नेहरू हों, और चाहे इंदिरा गांधी हों, और चाहे उसके बाद आप नाम ले लें तो हमारे जो विभिन्न रूपों में आंदोलन करने वाली लक्ष्मीबाई हों, झलकीबाई हों, उसकी जो सहयोगिनी थी। पूरे देश को अगर किसी ने स्वतंत्रता के संग्राम में शक्ति दी, नारी शक्ति नहीं थी। अगर दुर्गा भाभी नहीं होती तो भगत सिंह नहीं होता, भगत सिंह नहीं होता तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा होता। ये जो नारी है, इसी के माध्यम से सबको शक्ति मिली है, और शक्ति के माध्यम से लोगों ने पाया, भले वो एक्सेप्ट करें ना करें पब्लिकली, परंतु पुरुष की शक्ति का मूल श्रेय नारी शक्ति को जाता है। अगर वो शक्ति का अंश अपना हटा दे तो वास्तव में उसके पास शक्ति नहीं। परम पूज्य गुरुदेव परमन्या माता जी ने एक युग्म की तरह से काम किया, आप भी एक युग्म की तरह से काम कीजिए। प्रतिरोध की, प्रतिशोध की ज्वाला में नहीं चलना है हमको। पश्चिम की नारी प्रतिशोध की ज्वाला में जल रही है, इसलिए फैशन परस्ती में जाती है, रैंप वॉक करती है, कपड़े उतार देती है, दुनिया भर की बातें करती है। वैसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें संस्कृति की भाषा में बात करना है। हमें बाजार की भाषा में बात नहीं करना है, हमें परिवार की भाषा में बात करना है। वो बाजार की भाषा में बात करते हैं, हम परिवार की भाषा में बात करेंगे, और नारी जागरण का एक अच्छा सा आंदोलन ऐसा खड़ा करेंगे कि पूरे देश में एक वातावरण बन जाए। किसी और संगठन के पास आंदोलन नहीं है, किसी और संगठन के पास नारे जरूर हैं, पर सुव्यवस्थित आंदोलन, सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम, सुव्यवस्थित पूरी की पूरी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जैसी हमारे पास। इसलिए कोशिश करना चाहिए भाइयों बहनों हमको, कि हम लोग मिलजुल करके कैसे प्रयास करें इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का। बहनों, आप 6-7 दिन में, आपको हमारी सभी जो महिला जागरण प्रकोष्ठ की जो बहनें हैं बहुत सारी बातें बताएंगी, परंतु इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा आप इंटरेक्टिव रहना, क्वेश्चन पूछना, आपको क्या क्या समस्या आती है कार्यक्षेत्र में, आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उनके खिलाफ कैसे काम करें, व्यसनों के खिलाफ कैसे संघर्ष करें। मिजोरम की आदिवासी बहनों ने अपने पति और इन सब दूसरे शराबी लोगों की जब लीलाएं देखी तो उन्होंने शराब की भट्टियों को जलाना चालू कर दिया, शराब की भट्टियों के मार्ग पर बैठ गई आकर के, और उनके पति आए तो पति को ही मारना चालू कर दिया, भाग यहाँ से, शराब पी के हमारे घर को गड़बड़ करता है। तो जब पति भागा वहाँ से तो फिर बाकी सब उसके पीछे पीछे भाग गए। उसके बाद पुलिस वाले आए, पुलिस वालों से कहा तुमको मार खाना है क्या, पुलिस वाले भाग गए वहाँ से। धीरे धीरे करके शराब की भट्टी वालों से कहा अब देखो सब भाग गए, अब तुम नहीं भागोगे तो हम तुमको मारेंगे। शराब की भट्टी वाले भाग गए, शराब पूरी की पूरी दुकानें जला दी उन्होंने। जब मिजोरम में, नागालैंड में आंदोलन चल सकता है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं चल सकता। ये नशा और जितनी भी चीज़ें हैं इनके खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं। मेरी बात ऐसी लग सकती है बहनों को कि डॉक्टर साहब ने, भाई साहब ने, जीजी ने इतनी प्यार भरी बातें कहीं, उसके बाद इसे गुस्से भरी बातें क्यों कहीं। वो इसलिए कही हैं कि अगर आंदोलन नहीं खड़ा होगा तो काम कैसे होगा, और काम नहीं होगा तो फिर हम नारे लगाते रह जाएंगे, नारी तुम हो शक्ति, राष्ट्र की शशत तुम्हें प्रणाम, तो केवल प्रणाम करते रह जाएंगे लोग, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, काम वाम नहीं करेंगे। हमें काम करवाना है, और काम करने के लिए खड़ा करना है, और खड़ा होना है तो सबसे पहले आप खड़े हो, नारा मत लगाओ, नारे के साथ साथ चलो, नारे को जीवन में उतारो।
अगर नारा जीवन में नहीं उतरा, लोक संग्रह लोक शिक्षण के लिए जीना चाहिए। अवतार की हर अंश को, आप अवतार के अंश हैं, परम वंदनीय माता जी की सब बेटियां हैं जितनी बैठी हैं। अगर वंदनीय माता जी की बेटियां हैं तो आपके अंदर से माता जी बोलनी चाहिए, आपके अंदर से वो प्यार बोलना चाहिए, आपके अंदर से वो सारी की सारी क्रांति बोलनी चाहिए जो माता जी बोलती थी। जो माता जी ने जो काम किया वही काम आप सबको भी करना है, वही उसी काम को, उसी परंपरा को जीजी आगे बढ़ा रही हैं, उसी काम को आप लोगों को आगे बढ़ाना है। नारी जागरण का ये जो क्रम चला है ये बहुत बड़ी क्रांति बने, बहुत बड़ा क्रम बने, ऐसे गुरुदेव से प्रार्थना है, वंदनीय माता से प्रार्थना है। अपनी बात समाप्त करता हूँ। नारी जागरण प्रशिक्षक प्रशिक्षण शिविर में आए हुए हैं और यहाँ आकर के हम लोगों को महिलाओं में कैसे जागृति आए, कैसे हमारी बहनें गुरुदेव के सपने को, 21वीं सदी नारी सदी है, उसको साकार करने के लिए जो हम लोगों में कमियां थी, जो समस्याएं आती है, उसको यहाँ समाधान के लिए हम लोगों को बुलाया गया है। और मनुष्य में कैसे देवत्व का उदय हो, इसके लिए हम बहनें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, जब तक सशक्त न हो, जब तक इसके बारे में पूर्ण जानकारी न हो, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर उन सारी चीज़ों का हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो उद्घाटन समारोह हुआ उसमें जैसा कि जीजी ने कहा कि दो काम तो हम लोग कर ही सकते हैं, एक पहला जो अश्लील चित्र जो इधर उधर हमारे चौक चौराहे पर लगी रहती है, मैं एक कॉलेज में प्राध्यापिका भी हूँ समाजशास्त्र की, और मेरा ये भी प्रयास रहता है कि जो हमारी बहनें हमारी बेटियाँ जो पश्चिमीकरण के कारण जो अश्लील वस्त्र पहनती हैं वो, उस पर हम लोग रोक लगाएंगे। भाई साहब ने कहा कि प्रत्येक सप्ताह हम लोग होलिका दहन करेंगे, तो इसमें भाई साहब हम लोग हर रविवार को निकलेंगे और जो गंदी चित्र इधर उधर लगाए जाते हैं उसमें हम लोग उसका सामूहिक रूप से उसको जलाएंगे। और भ्रूण हत्या सबसे मार्मिक समस्या हमारे देश की बनी हुई है। जब हमारी बेटियां अपनी माँ के गर्भों में सुरक्षित नहीं है तो फिर वो परिवार समाज राष्ट्र में कितनी सुरक्षित रहेंगी। तो भ्रूण हत्या पर हम लोग ये सोच के यहाँ से जा रहे हैं कि वहाँ एक सेमिनार लगाएंगे और सेमिनार लगा के वैसी बहनों को बुलाएंगे जो इसमें अधिक से अधिक इसकी सहभागी होती हैं। तो ये दो समस्याएं। तीसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात हम लोगों को नज़र आई है, वो है दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा के पीछे जाति प्रथा बहुत बड़ा जड़ है और ये जाति प्रथा को तोड़ने के लिए जैसा कि श्रद्धेय भाई साहब ने कहा कि अपने गायत्री परिवार के बेटे बेटियों को आपस में अगर विवाह संपन्न करवाया जाए तो निश्चित रूप से एक नई पीढ़ी की नई शुरुआत और नई क्रांति का जन्म होगा। तो ये तीन संकल्प भाई साहब हम लोग लेके जाएंगे और गुरुदेव से शक्ति लेंगे कि ये हम लोग अपने क्षेत्रों में जाकर विशेषकर महिलाओं में ये जागृति पैदा करेंगे। ऐसी हम लोगों की मनोभूमि बन रही है। शिक्षा की जहाँ तक बात आती है, मुझे लगता है शिक्षा बहुत ही महत्व रखता है हमारे नारियों के लिए, क्योंकि अगर हम शिक्षा को वैल्यू देते हैं, इम्पॉर्टेंट देते हैं, तो वो आगे बढ़ने के बहुत सारे चांसेस हैं। परंपरा को जहाँ महत्व देते हैं वहाँ विवेक को अगर महत्व दिया जाए तो कुछ चीज़ें हम और आगे तक जा सकते हैं। तो हमारी पुरानी सोच कभी कभी हमें पीछे ले जाती है, अगर हम उन मान्यताओं को हटाकर एक नई सोच बनाएं जो कि हमें विवेक तुल्य, विवेक के अनुसार सत्य और सही रास्ते पर ले चले, उन्हें हम कहेंगे कि महत्व दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया। आज के ज़माने में नारियां आगे बढ़ती हैं परंतु वह भौतिक दृष्टि से आगे बढ़ रही हैं और उन भौतिकता के कारण उनके जो गुण हैं, जो आदर्श हैं, जो चरित्र हैं, चिंतन है, जो परिवार में एकता और मानवता होनी चाहिए, उनका विकास नहीं हो पा रहा है। वह इस भारतवर्ष की जो हमारी विदुषी हैं, हमारी अनेक प्रकार की नारियाँ हैं जो इस देश की इस संस्कृति को गौरवपूर्ण बनाया है, उस संस्कृति और सभ्यता को पुनः विकसित करने के लिए हमें इस प्रशिक्षण शिविर में बुलाया गया है। तो इस प्रशिक्षण शिविर में मुझे कुछ चुनी हुई नारियों को आवश्यक क्यों समझा गया, क्योंकि आज की नारियों में जो हमारे पारंपरिक समस्याएं हैं, व्यवहारिक समस्याएं हैं, उनको हर नारी समझ नहीं सकती है। इसलिए गुरुदेव ने जो गायत्री परिवार की सक्रिय कार्यकर्ता हैं अर्थात महिला मंडल की संचालिका को आमंत्रित किया, इसलिए क्योंकि वो कुछ अध्यात्म के रूप में उन्हें कुछ जानकारी है और थोड़े बहुत मार्गदर्शन की आवश्यकता है पड़ी, इस कारण उन्हें यहाँ बुलाया गया है। और इस प्रशिक्षण में हमारे समझ के अनुसार बहनों का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और मुझे लगता है कि ऐसे प्रशिक्षण हमेशा चलते रहें तो जो नारी के अंदर भटकाव है, जो
गंदे आचरण हैं, बुरे विचार हैं, आदर्शवाद खत्म हो चुकी है, व्यक्तित्व का निखार नहीं हो पा रहा है, उसकी निखारता के लिए हम नारियों को आगे आना होगा। जैसा कि आज श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने तथा जीजी ने बताया कि नारियों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तो वह आवश्यकता हम पूजा पाठ के माध्यम से नहीं बढ़ा सकते हैं, उसे किसी आंदोलन से हमें जुड़ना होगा। जैसे हमने आज के इस उद्बोधन से समझा कि आज के आंदोलन में हम अपने क्षेत्रों में जाकर नशा मुक्ति आंदोलन और दहेज प्रथा, फैशनबाजी, इन सभी आंदोलनों से जुड़ेंगे, और मुझे आशा है कि इस आंदोलन में हमें पूर्ण सफलता मिलेगी, क्योंकि हम अपने आप को भौतिकता के कारण, अपनी दहेज प्रथा के कारण सभी तरीके से एक जंजीर की तरह बनते चले जा रहे हैं, और उस जंजीर को तोड़ना हमारा अधिकार है। तभी हम पुनः अपने नारित्व गुण को स्थापित कर सकते हैं, अपनी सोई हुई चेतनाओं को जागृत कर सकते हैं तथा परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी अर्थात गायत्री परिवार के सपनों को साकार कर सकते हैं। आज का समाज, आज का वातावरण में अनिति, बेईमानी, चरित्रहीनता, ये कुसंस्कार सारा भर गया है। उसको आज दूर करने के लिए आज हर नारी को घर घर में जाना है और प्रणवान व्यक्तियों को प्रतिभा को जगाना है। हर मानव के अंदर परमात्मा ने ये जीवन को निरोग और स्वस्थ रखने के लिए ये बल दे करके भेजा है, और धन कमाने के लिए बुद्धि दे करके भेजा है, अकल दे करके भेजा है। लेकिन ये जो मानव जो हैं, ये अपने बुद्धि को, अकल को आज ये कुछ संस्कार में, ये कुविचारों में इसको लगा करके अपने उस शक्ति को आत्महीन कर दिया है। उसको सफाई करने के लिए हमको आज यही गायत्री की ज़रूरत है, आज यज्ञ की ज़रूरत है। यज्ञ का अर्थ होता है त्याग, बलिदान।